जमशेदपुर के बागुनहातू के इलाके के एक बुजुर्ग कांति कुमार, जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके घर बिजली गिरी है। ये बिजली आसमानी नहीं बल्कि विभागीय है। दरअसल लापरवाह बिजली विभाग ने 38 अरब रुपए का बिजली बिल भेजा है। बिल देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए हैं। कांति कुमार के छोटे से मकान में 2 पंखे और 2 बल्ब लगे हैं, मगर 1 महीने का बिजली बिल शायद मुख्यमंत्री कार्यालय के 1 साल के बिल से भी ज्यादा है। अरबों का बिजली बिल आ जाने से पूरा घर अशांत हो गया है। 38 अरब 37 करोड़ के आसपास में है। क्या परेशानी चल रहा है? परेशानी तो उन्होंने कहा नहीं, खाना पीना बंद हो गया, चिंता से हो गया। इतना कंपनी ने एक तो बिल नहीं देता है, इतना कंपनी भी छोटा मोटा कंपनी बिक्री करने से उतना पैसा नहीं होगा कि इतना बिल मेरे पास आया। चल ही रहा है, जब ये 3 बार आया, 3 बार में यही हाल है। कभी 3,000 कभी 2,000। चलो वो सहना वाला था, बोलो हो सकता है इधर उधर कुछ नया चेंज हुआ होगा, हुआ होगा। लेकिन 17 दिन 18 दिन के अंदर में अरब का बिल, करोड़ का बिल, ये तो सोचने वाली बात है। तो तनाव तो बहुत है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत महीने से ही मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बिल उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। वही हम लोग भी तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा तो हम लोग का नहीं चलता है कुछ भी। फैन 2 चलता है, 1 टीवी है नॉर्मल, और फ्रिज जैसे चलते हैं बस। वही इतना बिल तो आना नहीं चाहिए। वही पापा से मतलब पूछते हैं, हस्बैंड से भी, वो भी परेशान होते। ड्यूटी से आते हैं और बोलते कि इतना बिल आ गया, परेशानी में रहते हैं। 38 अरब रुपए से अधिक का बिल आने की जानकारी से आसपास के लोग भी हैरत में हैं और बिजली बिल बनाने की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5-6 महीने से बिजली बिल में काफी गड़बड़ियां हो रही है। परेशानी सर, बिजली आज 6 महीना से जो बिजली बिल हमारे यहाँ आता है उसमें सर बहुत सारा गड़बड़ी देखा जा रहा है, और बिल जमा करने के बाद भी फिर उसको दोबारा जोड़ करके आ जाता है। और तो एक तो क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, बिजली नहीं बनने से कहीं बिजली काट देगा, इसलिए हम लोग एजेड आदमी है, कहाँ माने किसी से भी लेकर के बिजली का बिल हम लोग को जमा कर देना पड़ता है। लेकिन तो भी इस महीना हमारा आया है सर माने 3,000 कुछ, जो कि पिछले एक असंभव चीज़ है, जो इतना नहीं आना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले में एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है। ये मामला जो है बिलिंग एजेंसी का है, जो बेंगलोर की कंपनी है क्वेस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 4 महीना से ये लोग खेल चल रहा है। इसको दिसंबर में ही टेंडर मिला था और इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको लेके चला गया लोग मार्च अप्रैल तक। इसके बाद आनन फानन में इन लोग टेंडर किस तरह से डेटा जो है बिप्स कंपनी से इन लोग उसको दिया, जिसके कारण ये जो है डेटा में हेर फेर करके, और सॉफ्टवेयर जो है इनकी छोटी है, जिसके कारण पूरा जो है डेटा जो है पूरे झारखंड का नहीं लोड हो सका, ना इनके पास डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास घर घर बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग का नया कारनामा देखने को मिल रहा है। इस बुजुर्ग का बिजली बिल भले ही सुधार दिया जाए, पर जिस मानसिक तनाव से परिवार गुजर रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? जमशेदपुर से न्यूज इंडिया के लिए लाला जबी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।